तो पिछले वीडियो में आधे ही सॉल्यूशन हो पाए थे बाकी लास्ट के दो पार्ट मैं अभी कर देता हूँ तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल दोबारा बनाते हैं ये स्नेल नंबर वन स्नेल नंबर टू और स्नेल नंबर थ्री अल्टीमेटली सबको इस सेंटर पर इस सेंट्रॉइड पर मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंचना है यहां पे इस रास्ते को इस तरीके से लेते हुए इस सीधी लाइन में यहां पर पहुंचना है तो आप ही मान के चले कि हम इस डिस्टेंस को आर नॉट ले ले रहे हैं इस डिस्टेंस को आर नॉट और लगातार जब वो एक इस तरीके से चक्कर में घूम रहे हैं तो ये आर डिस्टेंस हर बीतते समय के साथ कम होती चली जा रही है ये हर बीते समय के साथ कम होती चली जा रही है तो हम लिख सकते हैं आर एट टाइम टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस रूट थ्री वी बाई टू इंटू टी ठीक है ना कि भाई सेंटर की तरफ मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ये वेलोसिटी वी से इस रास्ते जा रहा है तो इस तरीके से हम अगर इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट अंडर रूट थ्री वी बाई टू आता है और ये वाला वी बाई टू आता है तो जिस कंपोनेंट से सेंटर की तरफ जा रहा है वो रूट थ्री वी बाई टू है तो टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो रूट थ्री वी बाई टू टी करेगा तो आर नॉट में से इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा और आर एट टाइम टी ये रह जाएगा ठीक है ना तो ये एक जनरलाइज आपके सामने इक्वेशन और v बाई टू वाली जो टेंजेंशियल वेलोसिटीज है v बाई टू वाली जो टेंजेंशियल वेलॉसटीज है वो रोटेशनल मोशन कराएंगी तो हम रोटेशनल का कॉन्सेप्ट v इज इक्वल टू आर ओमेगा वहां पे लगा देंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो ये वाला जो v है टेंजेंशियल वेलोसिटी वाला ये है v बाई टू इज इक्वल टू आर आर एट टाइम टी इन ओमेगा हो जाएगा यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे v अपॉन टू आर एट टाइम टी ये हम निकाल लेंगे ठीक है इसके अलावा हमने बताया था कि जैसे इक्विलिटर ट्रायंगल है और टी टाइम में थोड़ा चलने के बाद नेक्स्ट ट्रायंगल इस तरह से बनेगा ये डिफ्लेक्शन अल्फा का मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है तो ओमेगा आपने डी थीटा बाई डी टी पढ़ा है हम यहाँ पे ओमेगा को डी अल्फा बाई डी टी ले लेंगे डी अल्फा बाई डी टी और ओमेगा की ही वैल्यू अभी आपने यहाँ ऊपर क्या लिखी अपॉन टू आर एट टाइम टी लिखी इज इक्वल टू वी अपॉन और आर एटी देखिए यहां पर लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा टू का टू उतार लेंगे और आर एट टाइम टी आपका क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस अंडर रूट थ्री वी टी डिवाइडेड बाई टू ये चीज आपका हो जाएगा अब यहां से हम डी अल्फा इज इक्वल टू ये डी टी ले जाके वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी अपॉन टू विद इन ब्रैकेट आर नॉट माइनस अंडर रूट थ्री वी टी डिवाइडेड बाई टू और ये इनटू हो जाएगा डी टी और इनको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये जीरो से अल्फा और यहाँ पर टाइप जीरो से टी हम लोग ले लेते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इसमें ये वी और टू कांस्टेंट थे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा ये बाहर आ जाएगा तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन को नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टी यहां पे वी बाई टू बाहर आ गया था विद इन ब्रैकेट आपका रह गया है v बाई टू यह थोड़ा गड़बड़ हो गया अल्फा इज इक्वल टू v बाई टू बाहर आ जाएगा और उसका जो इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रेशन रिजल्ट होगा ln टू और जाएंगी, 0 T. और लिमिट्स लग इसके उल्टे रिजल्ट से मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा तो ये जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री वी अब इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा इस वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री ये वाला माइनस ये वाला रूट थ्री और एलेन विद इन ब्रैकेट आपका हो जाएगा अब लिमिट्स लगा के सॉल्व कर देते हैं तो पहले हो जाएगा आर नॉट माइनस अंडर रूट थ्री वी टी डिवाइडेड बाई एक बार टाइम की वैल्यू टी ले ली माइनस दोबारा हम ले लेंगे आर नॉट माइनस अंडर रूट थ्री वी बाई टू इन टू जीरो हो जाएगा इस तरह से लिमिट लगा के सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री एल एन और ये हो जाएगी आर नॉट माइनस अंडर रूट थ्री वी टी डिवाइडेड बाई टू माइनस आर नॉट और ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा यहां से यहाँ तक के टर्म को हम ए ले ले रहे हैं और इस वाले टर्म को हम बी ले ले रहे हैं ठीक है और ln को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एल एन को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा अल्फा इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट आएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइट अंडर रूट थ्री विद इन ब्रैकेट एलेन आर नॉट माइनस अंडर रूट थ्री बी टी डिड बाई टू माइनस एलेन आर नॉट ठीक है तो ये हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो ये नेचुरल लॉग है एलेन लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी होता है तो यहां से हमारा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन एल एन और ऊपर हो जाएगा यानी आर नॉट माइनस अंडर रूट थ्री वी टी बाय बाई टू एंड होल डिवाइडेड बाई आर नॉट तो ये आपका लॉग ए बाई बी का रिजल्ट हो जाएगा अब आप ये जाने कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास था और ये इस तरह की जो हमारी ट्रेजेक्ट्री आ रही थी ठीक है ये इस तरह से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और इस तरीके से हम हर एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचते जाए तो आप देखेंगे एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो ये जो टेंजेंट है और हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है यानी पाई बाई टू होती है और जैसे जैसे इस प्रेजेक्ट्री पे हम आगे बढ़ रहे हैं टेंजेंट आगे बढ़ रहा है थीटा की वैल्यू घटती चली जा रही है यानी अगर इस पॉइंट को ए ले ले, पॉइंट को ओ ले लें तो ए से ओ तक हमारी हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लगातार डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम मान लीजिए टी टाइम में वो अल्फा गया तो पाई बाई टू मतलब स्टार्टिंग में नाइन एंगल था उसमें से अल्फा घट गया तो जो बचा एंगल थीटा होगा वो नेक्स्ट स्लाइड देते हैं बच्चों हम अब हम यहां से लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस और अल्फा की वैल्यू अभी आपने निकाली हुई थी माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री एलेन आर नॉट माइनस रूट थ्री वी टी बाई टू डिवाइडेड बाई आर नॉट ये टू है ये वैल्यू आपने निकाली हुई थी ठीक है ना अब यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस वन अपॉन, अपॉन अंडर रूट थ्री एल एन अच्छा ये ऊपर वाली ये जो वैल्यू है ये आर टी की वैल्यू है अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है दिस इज आर टी एंड दिस इज आर नॉट ठीक है ना तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कॉमा लगा दे रहे? थीटा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू एलेन अपॉन अंडर रूट थ्री विद इन ब्रैकेट आर टी अपॉन आर नॉट तो यहाँ से हो जाएगा एलेन आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री विद इन ब्रैकेट थीटा माइनस पाई बाई टू और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई टू दावर माइनस बच्चों ये जो आपकी एक इक्वेशन निकल के आई है इसको इक्वेशन ऑफ प्रेजिक्ट्री जो यहाँ पे बन रही है या इसी को हम लोग पोलर इक्वेशन कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ कहते हैं और ये एक लॉगरिथमिक स्पाइरल को शो करती है इट इज शोइंग अ लॉगरिथमिक स्पाइरल अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों देखते हैं कि धीरे धीरे r कम हो रहा है जैसे जैसे हम लोग वर्टेक्स से, से सेंटर की तरफ आ रहे हैं r कम हो रहा है यानी r एट टाइम डी इज टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो अब गिवन फार्मूले के अनुसार r नॉट ई टू पावर अंडर रूट थ्री थीटा माइनस पाई बाई टू ये भी इक्वल टू जीरो होगा अब हम ये लिख सकते हैं ई टू दावर अंडर रूट थ्री वैल्यू हो जीरो e e e होती है ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ई टू power माइनस infinity इज इक्वल टू 1 upon e की पावर infinity is equal टू 1 upon इन्फिनिटी is equal to जीरो अब इसके हिसाब से आपका अंडर रूट थ्री थीटा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू आपका माइनस इंफिनिटी आ जाएगा माइनस इंफिनिटी रूट थ्री कॉन्स्टेंट पाई बाई टू कॉन्स्टेंट तो जाहिर सी बात है कि थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ जाएगी तो पॉइंट लाइक बॉडी रीचेज द सेंटर इन फाइनाइट टाइम एंड बाई कवरिंग अ फाइनाइट डिस्टेंस ओनली आफ्टर मेकिंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्स अबाउट द सेंटर तो आप देखिए आपने निकाल लिया डिस्टेंस निकाल ली इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल लिया जो कि की स्पाइरल को शो करती है और कितनी बार वो सर्कल लेता है इनफाइनाइट टाइम सर्कल लेता है अच्छा तो ये क्वेश्चन यहां पर बच्चों आपका कंप्लीट हो जाता है थैंक यू